नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौखट और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। विश्व कप 2019 के शुरू होने में बस अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है और सभी टीमें लगभग विश्व कप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से टीम इंडिया यहां पर विश्व कप खेलने वाली है उसकी उम्मीदें हर किसी को होंगी, क्योंकि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की फेवरेट्स में से एक है। बता दें आपको कि शनिवार यानी कि 25 मई को भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। पहला प्रैक्टिस मैच है और दूसरा मुकाबला भारत का 27 मई को है। अब 25 मई को होने वाले इस मैच में भारतीय टीम के लिए क्या परखना जरूरी है? सबसे पहले तो भारतीय टीम को परखना यह है कि आखिरकार आपकी टीम जो है वो क्या इंग्लैंड में तालमेल बिठाने में सक्षम है, या फिर क्या इंग्लैंड में आपकी टीम तेजी से रन बना सकती है, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि इंग्लैंड में समर्स है, पिच बिल्कुल फ्लैट रहेगी और यहां पर रन बनाना आसान रहेगा, तो आप 350-400 को भी बिल्कुल एक सेफ डिफेंडेबल टोटल नहीं मान सकते। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर भारतीय टीम में वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो नंबर 4 पर खेल सकते हैं, या फिर वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो बेहतर क्रिकेट खेलकर आगे जा सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए मौजूदा स्थिति की तो केएल राहुल को भारतीय टीम नंबर 4 पर जरूर परखेगी और प्रैक्टिस मैच में ये बहुत बड़ा मौका है भारत के पास परखने का तैयारियों को। राहुल हालांकि एक अच्छे प्लेयर हैं, हालांकि कितनी तैयारी की उन्होंने नंबर 4 के लिए हम नहीं कह सकते। विराट कोहली अगर नंबर 4 पर आएंगे तो फिर आपका 1-2-3 डिस्टर्ब होगा और वो शायद रवि शास्त्री भी नहीं चाहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम बेहतर विकल्प के साथ उतरेगी। भारतीय टीम हो सकता है कि अपने सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराए, लेकिन ज़्यादातर बैटिंग में शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, महेंद्र सिंह धोनी, ये 4-5 बल्लेबाज जो हैं इनको बैटिंग कराई जाएगी। हो सकता है दिनेश कार्तिक को भी प्रैक्टिस कराई जाए जो नंबर 4 के, क्योंकि नंबर 4 का विकल्प सुलझाने के लिए भारत के पास ये 2 मैचेस का मौका है, और अगर ये 2 मैचेस में भारत नंबर 4 पर दिनेश कार्तिक या केएल राहुल को खिलाता है तो फिर शायद भारत की शायद कहीं ना कहीं ये गुत्थी जो है वो सुलझ सकती है। हालांकि दिनेश कार्तिक एक बैकअप विकेटकीपर के तौर पर गए हैं तो हो सकता है वो सारे मैचेस ना खेलें, तो कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक का पलड़ा उतना भारी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर केएल राहुल थोड़ा सा भारी नजर आ रहे हैं। वहीं अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो 3 पेसर और 2 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है भारतीय टीम, क्योंकि दोनों रिस्ट स्पिनर्स ने पिछले साल इंग्लैंड में बहुत अच्छा किया था, प्लस आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन है रविंद्र जडेजा जब आपको अपनी बैटिंग लाइनअप लंबी करनी पड़ेगी। तो भारत के लिहाज से अगर शुरुआती प्लेइंग 11 देखें तो प्रैक्टिस मैच में तो यहाँ पर केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन ये टॉप 4 रहेंगे। 5 नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी, 6 नंबर पर केदार जाधव। हो सकता है केदार जाधव ना खेले तो दिनेश कार्तिक को मौका मिले, क्योंकि बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका वाले मैच तक केदार जाधव जो है वो फिट होंगे। इसके बाद गेंदबाजी की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या, विजय शंकर दोनों को ही गेंदबाजी कराई जा सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं खिला सकते, तो कहीं ना कहीं हार्दिक और विजय शंकर दोनों को परखा जाएगा। दोनों आपके रिस्ट स्पिनर्स हैं, कुलदीप और चहल, अगर नहीं काम होगा तो भारत के पास तैयारियों को परखने का मौका होगा। प्लस यहाँ पर आपके 3 पेसर भुवनेश्वर, बुमराह और शमी, तीनों बहुत बेहतरीन, एक रिवर्स स्विंग के माहिर, एक यॉर्कर के माहिर, दो और तीसरे नकल बॉल के माहिर, तो कहीं ना कहीं भारत के पास केन विलियमसन और उनकी टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने का अच्छा मौका है। विराट कोहली भी ये बात जानते हैं कि सुनहरा मौका है, और अगर इस सुनहरे मौके को हमने गवा दिया तो फिर हमने शायद वर्ल्ड कप गवा दिया। अब देखना है कि क्या भारतीय टीम बेहतर तरीके से क्रिकेट खेलकर न्यूजीलैंड को हरा पाएगी। फिलहाल वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत करने में समय है भारत के लिए तो स्पेशली, क्योंकि 30 मई से वर्ल्ड कप शुरू होगा। 5 जून को भारत का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11 वो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल खबरी चौखट को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना भूलिएगा। नमस्कार।